अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा मुन्ना आज बहुत रो रहा था। ये सुबह के टाइम ना इसको नज़ला बहुत हो रहा है ना, इसका सीना खराब है, नाक बिल्कुल बंद थी बेचारे की। तो मैंने ना, मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे मैंने कैमरा ऑन करा ना, तो अपनी तस्वीर बनवाएगा या मूवी बनवाता है ना, तो ये बहुत खुश होता है। तो मेरे को देख के ना इतना खुश हो गया, मैंने इसे गोद में लिया ना तो हंसने लग गया। अभी हंस रहा था ये इसकी अम्मा देखो इतना खुश कर रही है पीछे से। पागल लगता है, बिल्कुल पागल। रोने पे आया तो रोता रहेगा, और माशाल्लाह वैसा खेलता रहता है। जब भूखा होता है ना, जब रोता है, क्योंकि ऐसे भूख बर्दाश्त नहीं है और पेट भर जाता है ना, तो ये फिर नहीं रोता, तो खेलता रहता है। और कोई नहीं, हल्के आंच पे रखे हैं, कोई नहीं सुलगेंगे वीडियो के चक्कर में। और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि मेरे पसंद की चीज़ बनी है मटर के चावल। मटर आलू भी अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन मटर के चावल मैंने रात को बनाए थे। अभी मैंने चाय तो पी ली थी, लेकिन जो है ना, मैंने सोचा थोड़े से बहुत चावल खा लूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छे लगते हैं मटर के चावल। बिरयानी हो, मटर के चावल हो, और ताहरी, खिचड़ी, मतलब चावल की जो भी चीज़ें, जो भी आइटम है ना, वो सब मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी खा रही थी, चावल निकाले हैं मैंने और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये अभी हमने निकाले चावल अपने गरम करके, और क्या नाम है, अभी मैं नाश्ते ही कर रही थी, हमारा मुन्ना देखने लग गया मोबाइल तो खुश होने लग गया। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लूँ अपने मुन्ना की भी। अभी हम ये खा लें, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं अड्डा बना रही थी, मुझका ये मेहक काफ़ी सुबह ही सुबह आ गई, इन्हें आके मुझे 9:30 बजे उठा दिया, वरना तो है ना मैं 10:30 बजे उठती हूँ। चल अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी हम नमाज वमाज पढ़ के फारिग हो चुके हैं। अभी मैं काम ही कर रही थी, काम करते करते देखो मेरी एक पट्टी बन भी गई, उसकी अभी तक की आधी चल रही है, ढीली होते वो मेहक। तो जो है ना, मैंने एक पट्टी बना भी ली और नमाज भी पढ़ ली, और अभी मैंने बनने रखी है चाय, बन रही है चाय, ये देखें आप लोग। और यहाँ मुन्ना का दूध पकने रखा था मेहक ने, और पता नहीं किस तरह से फट गया ये, जबकि फ्रिज में रखा हुआ था, जमा हुआ था, फिर भी फट गया ये। कोई मसला नहीं, इसका खोया वो खीस हो क्या होता है वो बना देगी ये, बेचारे के हाथ पे रख देंगे, खुशक होता रहेगा, खोया बन जाएगा, वो भी मज़े का लगता है। तो अभी हमारे मगरिब का टाइम, अजान भी हो चुकी है, और मुझे लग रही थी ना भूख, थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी ना, तो आर्यन लेकर आया था चिप्स ना, और मैंने बोला मेरे को भी खिला दो, उन्हें खिलाया नहीं, मैंने एक ना ज़बरदस्ती उठा के खा लिया, वो ना ला के दे रहा है ना खिलाएंगे। तो मैंने सोचा मैं मैगी बना लेती हूँ, मैंने दुकान से मैगी ली, ये देखा मैगी लिया। अब मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, अब मैं आर्यन को मैं नहीं खिलाऊँगी, क्योंकि वो भी बहुत शौक से खाता है, अब उसे मैं नहीं खिलाऊँगी, अब मैं खाऊँगी अकेले बना लेती हूँ। मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, थोड़ा तो सुकून मिल ही जाएगा, मैगी खा लूँगी तो पेट भर जाएगा। तो हमारी मैगी बन चुकी है, हम जा रहे हैं खाने, क्योंकि अब मैं आलियान को नहीं खिलाऊँगी, क्योंकि उसने मुझे चिप्स भी नहीं खिलाई थी, अब ये मैं खाऊँगी और आलियान को नहीं खिलाऊँगी। और आप लोगों को जिस जिसको खाना है आप लोग भी आ जाएं। गर्म हो रही है बहुत। सामिया क्या खा रही है? चिप्स खा रही हो? किन्ने कौन लाया? ये हमारी मेहक का मुन्ना रोता रहता है। क्या हो गया? अरे 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 मेरा मुन्ना आपकी तस्वीर बन रही है, अभी इसको ना फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगा ना, ये खुश होगा। मेरा मुन्ना आ रहा है इसमें तो। अरे 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 मेरा मुन्ना आ रहा है, ये नियत लगा रहा है मैगी पे, लेकिन अगर इसे मैंने जर से भी खिला दी ना, ये जो है ना फैल जाएगा, क्योंकि मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाता। मैं भून रही थी आटा, तो दाल मोट वाला आ गया था, तो मैंने छोले ले लिए उससे, ये मैं छोले खा रही हूँ। वो दाल मोट भी बेचता है, नारियल भी बेचता है, और ये छोले भी अब बना के बेचने के, अच्छे होते हैं इसके छोले। मैं आटा गूंद रही थी, और अभी मेहक आपी को दिखाती हूँ मैं वो क्या कर रही हूँ। मेहक आपी बना रही थी अपना खाना, दाल बना रही थी, ये देखो इनका पतीला खाली पड़ा है, दाल जल रही थी, दाल जल चुकी थी। ये इस वाले में क्या है? उसमें तो मेरे चावल थे। अच्छा, थोड़े से रह गए थे, थोड़े मैंने खा लिए थे। ये देखो ये इनकी जली जलाई दाल। अब इसका क्या करना है? अब नहीं जली हुई,
इसका क्या करेगी? घोट के पानी डालोगे ना, क्या करेंगे? महक जलाइन की आ गई होगी। नहीं तो पूरी खुर्ची नहीं है मैंने। अच्छा अब हटा ले। इनके कमरे की सेटिंग देखे, मैंने बोला था ना मैं कल दिखाऊंगी, तो इन्होंने जो है ना ये जैसे पहले रखा हुआ था ना सिंगारदान, पहले जिस तरह से रखा था वैसे ही इन्होंने रख दिया। ये देखे मैं वीडियो बना रही हूँ, और यहाँ पर रखी है इन्होंने अपनी अलमारी, वहाँ पर है डिवाइडर, उसका एक शीशा भी टूट गया पता नहीं किस तरह से। और ये देखे ये हमने सेटिंग करी है, जहाँ ये थी पेटी तो पेटी को हमने ऐसे आड़ा कर दिया, इसकी जगह बन गई, सिंगारदान उधर रखा हमने और फ्रिज इधर रख दिया। फ्रिज किचन में बहुत बुरा लग रहा था तो अब सही है। यहाँ पर LED लगी हुई है इनकी, और ये है इनका बेड दरवाजे के बराबर में, इसमें इसलिए मैंने लगवाया ताकि गली का सामना ना हो। तो देखा आपने मैंने कैसे इनके फ्रिज की सेटिंग करी। मैं जब मेरा मूड होता है ना कि यहाँ सही नहीं लग रहा वहीं सही नहीं लग रहा, मैं इसका ना घर की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। जब से इनने घर लिया है ना तब से कुछ ना कुछ सेटिंग रोज़ाना हो जा रही है। तो अब बस ये एंड था, अब देखते हैं अगर हम कहीं ना कहीं बुरा लगा तो कुछ ना कुछ कर देंगे फिर दोबारा से। और बस और क्या, अभी मैंने अड्डा में बना रही थी 11:30 होने ये चली गई थी, इसके मियाँ ने भगा दिया इसको, बोले अभी जा दूँ मैं पूरी फिल्म देख लूँ फिर आई हूँ, फिर आ गई बेचारी। फिर दोबारा से अड्डा बनाने लगी, अभी मैं भी बना रही हूँ, 2 फूल रह गए मेरे ना वो बना लूँ, मेरा तो थोड़ा सा रह जाएगा उसका ज़्यादा खराब है। तो यहीं पर करते हैं अपनी वीडियो का एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और बस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। चलते हैं फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।